आइए देखते हैं बैरचंद मजा आएगा। हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग, आपका स्वागत है नए व्लॉग में। आज कुछ ज़्यादा ही एक्साइटिंग होने वाला है। अभी बज गए हैं रात के 9 बजने आ रहे, 8:52 हो रहा है। तो अभी मैं ज़रा जाता हूँ, फ्रेश विश होता हूँ, फिर निकलते हैं और फिर आपको बताता हूँ। अभी फ़िलहाल तो मैं अकेला हूँ, दादा को पिक करना है, दादा जॉब से आ रहे। चलिए फिर अभी थोड़ा रेडी वीडियो होकर निकलते। तो रेडी हो चुके हैं, अभी हमें निकलना है। ज़रा कॉफ़ी वॉफी लगा देता हूँ। और आज पता नहीं आ रहा हूँ कि नहीं, मुझे भी पता नहीं चल रहा, क्योंकि बैक कैमरा पे खींच रहा हूँ। और फिर पटपट पट निकलते हैं, क्योंकि दादा अभी पता नहीं किधर है, कुछ मैसेज का रिप्लाई भी नहीं कर रहे। अभी इसके साथ मुझे एक बैग लेनी पड़ेगी, क्योंकि अभी ट्राईपॉड है, तो ट्राईपॉड को ऐसे हाथ में लेके ज़्यादा घूम भी नहीं सकता। तो बैग लेते हैं, निकलते हैं। चलिए चलते। चलिए चलते हैं। तो गाइस, हमारे साथ दादा और विनायक जुड़ चुके हैं। भूख लगी थी तो ज़रा मैकडी, हमारा मैकडी उधर थोड़ा एक एक बर्गर खा लिया, तभी कैश निकालने के और फिर निकलते, क्योंकि पता नहीं उधर कैश लेते कार्ड लेते कि कार्ड में तो है बट कैश में नहीं है। तो चलिए ज़रा निकालते फिर चलते। हाय गाइस, तो हम पहुंच चुके हैं, बहुत अंदर था। ये देखो अपने विनायक भाई, कभी देखे नहीं, फर्स्ट टाइम आए ब्लॉग में, तो जरा आ जाए। हम आए प्रो कार्ड, पता नहीं बहुत पब्लिक फुल मजे में वो है। और ये पूरा जगह जो है फुल ऑफ साइड में, तो इसका कुछ पता नहीं यार, वो रोड उधर है इधर अंदर से। चलो फिर चलते हैं, ऐसा गेट है इसका। अच्छा, ये एंट्री है। फुल अभी स्कैम होते होते हो गया है वो गेट पे, वो सिक्योरिटी वाला पहला मैं आया अकेला, तो मेरे को कुछ बोला नहीं, हाँ अंदर जाओ बोला। अभी लोग दोनों को दिया, साथ में देखा था, हम लोग तीन देखे, बोला किधर, माफ़ी लाइक इधर मुश्किल ऐसा, लाइक किधर जा रही क्या जा रही, माफ़ी मुश्किल ऐसा सब वाला आती नहीं मेरे को, यार नहीं आती हम लोग को भी इतनी, लाइक एकदम बहुत छोटी नहीं, बोले बहुत थोड़ी थोड़ी आती है, एक दो शब्द आते, तो बोल रहा है बंद है। मैं उसको बोला, अरे भाई मैसेज है, वो बोला 12:30 तक आओ, तो इसके रात में आके अभी भाई भी आए, तो ये वेंकी भाई और विनायक भाई साथ में मच जाएंगे। चलिए चलो, प्रो कार्ट में आपका स्वागत है। इधर चला रही है पब्लिक वहाँ पे इधर, और ये ऐसा है। चलिए चलते हैं, मजा आएगा ना वीडियो, अब भी मजा आएगा। चलो यहाँ पे फुल लाइक, ये है, ये बच्चे लोग की भी है, एक नंबर, बहुत मजा आएगा। तो गाइस हम आ चुके हैं, यहाँ पे फॉर्म भी भरना है, तो आपको दिखाता हूँ। यूजुअली एक ऐसा फॉर्म है, विनायक भर रहे हैं, तो इस पे आपको मेल फीमेल जो भी है आपका, लाइक नेम, नेशनलिटी, सिविल आईडी, जो इधर की अकमा होती है, जो इधर का लाइक एक आईडी होती है जिसमें सब आपका पूरा डिटेल लिखा होता है, कंपनी किससे आई है, क्या है, ब्लड ग्रुप, वो सब जरूरत नहीं है। और लाइक आधार, इंडिया में कैसा आधार कार्ड है, यहाँ पे वो सिविल आईडी होती है, और ये सब अरेबिक में लिखा है और इंग्लिश में लिखा है, आप पढ़ सकते हो। और लाइक बच्चे है तो बच्चे, लाइक पेरेंट्स का साइन अगर अलाउड, बस इतना सा एक छोटा मोटा फॉर्म है, पता नहीं क्यों है, बट आई गेस कुछ हो ना हो वो चक्कर का सीन रहेगा इन लोग का, ठीक है। डिक्लेरेशन है कि हम हमारे रिक्स पे कर रहे हैं, कुछ हुआ नहीं तो वैसा, ठीक है। चलिए तो अभी चलिए कपड़ा पहनने के लिए, अपने विनायक भाई लोग पूरा सेफ्टी गियर्स दे रहे हैं, देखो अपने भाई और दूसरे कर रहे, ये ऐसा है, ये है कि चेंजिंग रूम है, हाँ चेंजिंग रूम है, और ये सब हेलमेट वेलमेट है, फुल प्रोटेक्शन पूरा है, देखो एक नंबर वन टाइम लोग, एक नंबर, ऐसा लग रहा है भाई किधर पबजी खेलने जा रहे किधर। हाँ फुल ये हेयरनेट, भाई जाओ किचन में, जाओ अभी जाओ किचन वाले, तुम लोग जाओ, हो गया तुम्हारा हेयरनेट लग गया, जाओ रिपोर्ट टू
कुटला लेट्स टेक द वीडियो ऑफ हिम यू मीन वेर वेर चलो अपनी भाई शुभ मंगल सावन आली लगन घटी नंबर 81 लग रहा है भाई चलो भाई टाइट है अपने पास चाहिए ऐसा उधर ही लग रही वो बैग के साथ ये वाला बैग ये वाला नहीं बेटर आहा बैग पर इस बोल जाता हाय गाइस कैसा लग रहा हो हाय वाह कैसा लग रहा हो अच्छा लग रहा हो एकदम रावास कुछ भी नहीं है यहाँ पे हो गया तो ये लगता है वो लोग का एक एडिशन कुछ के लिए है एक नंबर नाचो ये चलाएंगे ये चलाएंगे ये लाइक पूरा खुली हुई गाड़ी है वो लोग की यहाँ पे फोटो ले रूल्स है यहाँ के ड्रिफ्टिंग इज फॉरबिडन ड्रिफ्टिंग करने का लाइक वो राइडर हो तो नहीं कर सकते हो तुम यार बिटिंग लाइक थकना नहीं है मोबाइल अलाउड नहीं है तो पता नहीं अभी रिकॉर्डिंग कैसे कर पाऊँगा पर देखते और ये ऐसा है इतना छोटा क्यों दिया तेरे को इतना छोटा है बच्चे लोग का दिया रहेगा वो लोग तो अभी बाहर जाते देखते वो ट्रक के वहाँ पे जाते फिर से पता नहीं रास्ता यहाँ से कहाँ और ये भी एक रूम है बहुत बढ़िया बहुत सही है चलो अपना टर्न आ गया है एक गेट हाँ यहाँ पे बंद है हो गया लोकल है खड़ा टाइम चलो फिर अपना राउंड आएगा चलो चले हाउ आर यू गाइस एक्साइटेड Yes, very much. He is not. How is the Josh? High, sir. Very high, very high. आ रहे लोग अभी अपनी बारी आएगी भाई अपने कैसा लगा मजा आया पूरा ड्रिफ्ट में यार भाई का फोटो ही नहीं खत्म हो रहा रुको जरा करते तो है इधर आज पहला नंबर तो मेरे को लग रहा है विनायक रहेगा क्योंकि वो सबसे भाई मेरे को दोनों बार ओवरटेक किया और मैं तो ठोक भी दिया और दूसरा नंबर मैं तीसरा नंबर क्योंकि मैं एक्सेप्ट करता हूँ क्योंकि भाई आप हार गए ले और फिर मैं कैसे आऊँ हाँ आप घुमा दे ये अपने भाई बहुत अच्छे थे बहुत बढ़िया भाई थे बहुत अच्छा किया मेरे को सपोर्ट किया मैं ठोक दिया तो भाई जरा आए मेरे को रेस्क्यू करने के लिए थैंक यू भाई वेरी मच और ये ऐसा ट्रैक था लाइक एक नंबर मेरी तो ये दूसरी वाली गाड़ी थी मेरी ये वाली गाड़ी थी और ऐसा है बहुत मजा आया साला में तो ठोक दिया भाई मेरे को बचाने आ गए एक नंबर को इधर ये लोग का फोटो नहीं खत्म हो रहा है हाँ हेलो फुल पोज बता रहे चलो शक्तिमान आलमक हो रहा है बारिश आएगी थैंक यू भाई आपका नाम क्या है भाई मदी मदी किधर से हो फ्रॉम वेर यू आर श्रीलंका चेन्नई वाला गुड फ्रॉम इंडिया योर ब्रदर गुड ब्रदर गुड और यहाँ पे एक गेमिंग का भी है चलिए देखते हैं कैसा क्या है मालूम पड़ेगा चलिए कैसा है चलो आपको दिखाता हूँ अच्छा यार पूरा इलेक्ट्रॉनिक वाला मज़ा आएगा ये लो का ऐसा प्रो कार्ट सिटिंग बिटिंग एरिया है ये पूरा बैठने का किसी को बैठ भी सकते फैमिली विमली रहेगी तो और ये अपने मॉल बिल में देखा रहेगा आप लोग ने इंडिया में वही कार्ड डालो अपना रिफिल करा वहाँ से जगह ऊपर ही है बट शायद से अभी बंद किया है लोगों ने ये तो ऊपर भी पता नहीं कुछ तो होगा अपने ऐसा वो बचपन के दिन याद आ गए जब हम लोग जाते थे ऐसा बहुत रैली अतरब जाता था मैं ऐसा गाड़ी वीडी का है बहुत बढ़िया है और ये पता नहीं क्या ये खाने का लगता है कुछ रूम
हाँ ये लगता है, ये लोग का स्टाफ रूम है। और ये बहुत सी चीज़ें यार, बहुत सी चीज़, वॉशरूम विशरूम भी है उस तरफ, उस तरफ वॉशरूम भी है। अच्छा अच्छा वर्थ इट है राइड अपना, कितना 10 KD का पड़ा राइड, मतलब वही 1300 के आसपास, 1300 पता नहीं इंडिया में कितना है। इंडिया में मैं बहुत पहले गया था, 2016 में गया था, 6-7 साल पहले, तो याद भी नहीं अभी। दादा पता नहीं हर एक सेक्शन के इधर के एक्सीलेटर को, गियर को ये कर रहे कि गाड़ी किधर चल जाए, तो ट्राई कर रहे कि किधर कुछ हो ही जाए कि भाई किधर कोई गाड़ी चले उनकी। बोलो उनको भी बचपन का बड़ा नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ गया है, एक नंबर। दादा का बच्चा ले तो अभी चढ़ के लेके जाएगा ये गाड़ी घर, वैसे भी टैक्सी के लिए साला पूरा बाहर जाना पड़ेगा यहाँ पे। चलो हाँ वो भी, अभी टैक्सी का भी सीन पता नहीं, अभी टैक्सी का भी सीन पता नहीं, अभी अंदर अंदर तो भी नहीं, क्योंकि हाईवे है सब, अभी हाईवे पे रुकती नहीं है यहाँ पे, लाइक रनिंग हाईवे ब्रिज वाला, नीचे वाला होता तो एक बार रुक जाती थी, तो अभी टैक्सी का देखना पड़ेगा यार कैसे, नहीं तो लग गए, क्योंकि इधर पूरा रास्ता बहुत लंबे लंबे और बड़े बड़े साले हैं इसके लिए, लाइक अच्छा सेफ है बट फिर भी बोल नहीं सकते कुछ। चलिए चलते ओके हबीबी लेट्स गो। तो हमारा रेसिंग सब हो गया है, एक चीज़ की दिक्कत है ये जहाँ पे आए थे ऑफ टैक्सी है, और जैसे मैं आपको पहले बोला था टैक्सी रुकी नहीं है हाईवे, फिर रनिंग हाईवे है यहाँ पे टैक्सी रुकेगी नहीं। अगर कोई एक कुएं से ब्लॉग देख रहा है और सोचता होगा कि यहाँ पे आ जाए, तो एक काम कर लेना करीम टैक्सी करके ऐप पे वो डाउनलोड कर देना, ओला उबर जैसा है जो इंडिया में होता है, या वैसा कोई भी, या कोई भी टैक्सी वाले को जो छोड़ेगा उसको ऑलरेडी बोल देना कि भाई रुक सकते हो आधा एक घंटा या आधे घंटे में आ सकते हो, या आखिर उसका नंबर लेके रख दो, क्योंकि अभी मुझे पता नहीं कि हम घर कैसे जाएंगे, पर जाएंगे ज़रूर पर पता नहीं कैसे जाएंगे। चलिए चलते हैं। क्या है वो जो हाईवे जा रही है, नहीं है वहाँ से जाना है, जो हाईवे पे तो गाड़ी रुकेगी नहीं, यहाँ से ही रिक्शित भाई आ रहे, क्योंकि बहुत बहुत चढ़ान, लाइक बहुत ही ज़्यादा इस लोग पे ये आ गए यहाँ से, ये थोड़ी तो भी ठीक है। कम ऑन कम ऑन, हाँ आ जा रुका, इनका एक वीडियो निकालना पड़ेगा। तो हम लोग पद यात्रा के लिए निकल गए हैं, यहाँ पे सबकी माँ बहन सास जी जो भी बोल सकते हो वो सब हो चुकी है, पता नहीं हम लोग उस तरफ से कहाँ से तो आए थे, तो अभी हाईवे के ऊपर है देखो विनायक भाई, अभी फुल भाई त्रास में कैसा कैसा करके जंगल विंगल से इधर ऊपर नीचे करके आए, वो देखो वो हाईवे दिख रहा है, वो पूरा हाईवे क्रॉस करके आए, और वो चक्कर में अगर कोई पुलिस वाला देख लेता था तो अलग सीन, और उधर भी वो देखो कुछ तो हुआ है तो पुलिस वाला खड़ा है, वो एक कैसा अलाउड भी नहीं है। अभी हम लोग को पता नहीं, पर हम लोग को वो मॉल के अंदर जाने का, सॉरी मॉल के अंदर जाने का, क्यों कि वहाँ पर ज़रा टैक्सी विक्सी कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। चलिए देखते हो गया, कम से कम 20 मिनट तो चल दिया एक ट्रैक के चक्कर में। चलो हम लोग कम से कम एक घंटा चले, पहला आदमी दिखा हम लोग को चलते हुए कोई, वहाँ से कहाँ से तो आए, वहाँ से पकड़ के वो ब्रिज पकड़े, वो ब्रिज से फिर यहाँ पे आए, अभी यहाँ से वो वाला एक मॉल है, ये हयात है, ग्रैंड हयात है, और ये कुछ टेनिस कोर्ट है, तो उधर एक 360 मॉल है वहाँ पे पीछे वाला, इसके पीछे ही है, तो वहाँ पे टैक्सी तो मिलनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से पता नहीं यार कौन से कोने से आए अपने दादा लोग चल रहे, मतलब समझ जाओ अगर तुम कभी रात को ट्रैवल कर रहे हो कुवैत में, सेफर साइड अकेले नहीं करना, और दूसरी बात टैक्सी वाले का नंबर लेके चलना, क्योंकि बस भी इसका भी कैसा है कि तुम किधर जा रहे हो, अभी मैं साल में आ रहता हूँ, अभी मेरे को आइडिया नहीं, यहाँ से गूगल पे भी दिखा नहीं रहा है लाइक बसेस के लिए भी,
मतलब बस तो पकड़ना ही नहीं है, बट प्रॉब्लम क्या है, मतलब टैक्सी का भी कुछ सीन नहीं है, दिख भी नहीं रही है जो टैक्सी रहती है ना, जो नॉर्मली वो दिख भी नहीं रही, सब प्राइवेट वाली दिख रही है। तो चक्कर में जो अभी बहुत सारी गाड़ियाँ तो दिख रही है शो में, बट देखते हैं अभी वो मॉल के इधर जाएंगे, भगवान ना खास्ता यार कोई बस मिल जाए अच्छा हो जाए, थोड़ा हम लोग का गरीब लोग का भूख भी बहुत लगी है, क्योंकि इधर तो अभी फिलहाल 2-3 बजे तो खुला ही होगा, तो अभी 12:30 बज गए, हम लोग को 11:30 के आसपास निकले थे वहाँ से, हो गया 1 घंटा हो गया आराम से चलते। अच्छा है, जोश है, थोड़ा कुछ मैगडी से खा के आए तो टेंशन नहीं है, पर भूख लगना चालू हो गई है यार, चले चलते हैं। हाउ इज द जोश गाइस, 1 घंटे के ऊपर चल के जोश कैसा है? फटी पड़ी है, मेरा तो गांडी फट गया, मेरा तो गांडी फट गया। हो गया यार, बहुत हो गया आज, मेरा हालत डाउन हो गया है। चलो कुछ नहीं, अबे काम करते ना, वो मॉल के अंदर खा लेते फिर टैक्सी पकड़े कल्टे घर पे, चलो चलते। ये पता नहीं शेख जब अल अब्दुल्ला अल जब, पता नहीं वो नाम है कि क्या है, मुझे बोलने पे नहीं आ रहा है, वो लाइक टेनिस कॉम्प्लेक्स है कुछ तो। अभी मेरे को ना इसमें वो उसका धमाल ना पिक्चर का नाम, वो धमाल का वो डायलॉग याद आ गया। स्वामी यार ट्रैफिक हो गया। Hi guys, तो इधर टैक्सी मिल गई है, पर मैं वो टैक्सी वाले को पूरा दुख दर्द की कहानी बताया कि भाई आपको ढूंढने के लिए 1.5 घंटा लग गया करके। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, हम लोग का एक वाहिद कबाब करके एक है मेरे, हम लोग के यहाँ पे, क्योंकि जाने का था, बट बोले नहीं कबाब खाने गए उधर, अभी उधर जाएगी कबाब वबाब खाएंगे आपको दिखाएंगे। चले यार कसम से बहुत अच्छा लग रहा है, लाइक अच्छा लग रहा है कि भाई घर पहुँचूंगा आज करके। चलिए चलते, ये वाला मस्जिद दिख रहा है आपको दोस्तों, यहाँ पे जो इधर का जो प्रिंस है ना वो यहाँ पे आते हैं, क्योंकि इसके पीछे ही उनका घर है, जो इधर के रूलर है ना, जो अभी आपको मस्जिद दिखा है, जो यहाँ के रूलर है ना कुवैत के, वो उनके घर को लग के वो मस्जिद है, तो वो यहाँ पे प्रेयर के लिए आते हैं ऐसा, लाइक मुझे नहीं पता था। ये हमारे जो ड्राइवर है ना वो हमको बता रहे, वो बांग्लादेश है, तो बता रहे कि इधर का जो प्रिंस अमीन है, आमिर है, अमीन क्या अमीर कुछ तो, सॉरी पता मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, तो वो उनका घर वहाँ पे ही है, क्योंकि आपको देखो बहुत सारी ट्रैफिक, नहीं नहीं बल्कि 7-8 दिख गई, बोला अरे इतनी पुलिस की हुई तो बोलते हैं इधर वो प्रिंस अमीन का घर है, अमीन हाँ प्रिंस अमीन का घर है, इसके लिए इतनी सारी पुलिस की गाड़ी आपको यहाँ पे हर रोज़ दिखेगी, क्योंकि अभी 2 बज गए, दो नहीं कितना बज गया, हाँ 1:30 बज गए, ये मेरी घड़ी ढंग से, 12:30 बज गया, तो इसके लिए कि अभी रमज़ान का टाइम है ना, इसके लिए लोग आते पीते रहते, दादा चक्कर विक्कर मारते। चलिए वही ज़रा सोचा पता दूँ करके आपको। तो गाइस हम लोग आखिरकार पहुंच चुके हैं घर पे, नहीं वाहिद कबाब के पास, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग नहीं खाए थे तो बहुत ही अच्छा था, तो मेरा रूम यहाँ पे ही है, अभी ज़रा 5 मिनट चलूँगा, तो टैक्सी वाला बेचारा छोड़ दिया नसीब, और हम लोग को एक गार्डन भी पड़ता है यहाँ पे, सामने एक गार्डन भी है, तो चलिए खाते हैं, देखते हैं शायद से आज रात लंबी होने वाली है, अभी तो 1 बज गया, बराबर 1 बज गया, रात लंबी होने वाली है, बहुत सारी और एक्साइटमेंट होने वाली है। चलो डिनर टाइम, आखिरकार हम लोग घर पे पहुंच गए, नहीं लाइक मेरे घर पे नहीं है, विनायक भाई के घर पे और इनके घर पे आ गए हैं, जरा इनका चालू है, तो थोड़ा डिनर विनर करेंगे और उसके बाद रात, क्या बोलते हैं, क्या है वो डायलॉग, क्या है वो, रात बाकी है, रात रंगीन भी होगी बट रात बाकी है, चलो चलते। अरे कहना क्या चाहते हो? तो डिनर विनर सब कुछ हो चुका है, अभी देखो मेरा और वेंकी भाई का एक राउंड हुआ, वेंकी भाई बहुत बुरी तरह से हार गए पर मेरे से। What the fuck? पता नहीं कैसे, मुझे आता भी नहीं है, लाइक मैं खेला भी नहीं हूँ इतना, बट वो कुछ तो दबा रहा था, तो भाई लोग ने गाइड किया कि आप ऐसा वैसा मार, तो हो गया, तो वो लोग का राउंड दे रहे, तो रेफरी को ही मारा, अभी वही गेम चल रही है, क्लास। चलो फिर अभी रात बहुत लंबी जाने वाली है, तो थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ दिखा देता हूँ आज, चलिए भाई लोग। दीक्षित भाई आ गए ले, खाना लाए, क्या लाए, मिठाई लाए सर। हाँ दीक्षित भाई क्या लेके आए? अरे दीक्षित भाई ब्लॉग में आपका स्वागत है। शुक्रिया। अरे जरा व्यूअर्स को दिखाओ क्या लाए, क्या चीज लाए, क्या है वो,
अरे वाह, एक नंबर, कॉन्ग्रेचुलेशन कड़क। चलो इसी बात पे पार्टी हो जाए आज। अरे वाह, गेम चल रहा है, सब चल रहा है, एंजॉय का टेंशन चल रहा है। इधर 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 चालू हो, दो प्लेयर इधर ही बैठे। एक्स से उठाएगा भाई, वो L1 से उठाएगा। फुल फुल धमाकेदार। तो गाइस इसी के साथ ये ब्लॉग यही खत्म करते हुए, दादा और मैं आ चुके हैं। दादा तो फुल एग्जॉस्टेड और मैं भी एग्जॉस्टेड, बादल पूरे बिखर गए क्योंकि वो बारिश वीरिश आ रही थी, लाइक वो जोर वाली नहीं बट बारिश आ रही थी। तो 4 बज गए हैं, इसके बाद गुड नाइट, फिर मिलते हैं नए किसी व्लॉग में, कुछ तो करते हुए या किधर तो जाते हुए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।